तो दोस्तों आज बनाएंगे ऐसे भटूरे जो एकदम फूले फूले होंगे, बिल्कुल बाजार जैसे एकदम खमीर वाले बढ़िया से भटूरे। आपका एक भी भटूरा नहीं पिचकेगा, ऐसे ही फूलेंगे एकदम गेंद की तरह से। तो चलिए ये देखे और कितना सॉफ्ट भटूरा बनाया है, आप देखकर ही आइडिया कर सकते हैं। चलिए इसका खमीर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ खमीर। देखा कितना बढ़िया खमीर निकला है। तो आपका एक एक भटूरा फूलेगा और मैं आपको बहुत सारे भटूरे बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए क्वांटिटी देखते हैं। सबसे पहले 4 कप यहाँ पर मैंने लिए है मैदा, अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाना है तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिए है मैंने यहाँ पर सूजी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। आधा चम्मच नमक और 1.5 चम्मच चीनी। यदि आप सेम क्वांटिटी रखेंगे तो आपके भटूरे भी ऐसे ही बनेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ड्राई चीज़ों को यदि आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो खमीर जो आएगा वो एक साथ आएगा, और चीनी का जो खमीर होता है बहुत बढ़िया उठता है। ये देखिए खाने वाली चम्मच है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज़ करना है आपको, सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यदि आप इसमें सोडा यूज़ करेंगे तो आपके भटूरे बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनेंगे। तो जो केक के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं ये वही है। और जो छोटी वाली कटोरी आती है या फिर आप चम्मच की हेल्प से डाल रहे हैं, तो 5 चम्मच यहाँ पर जाएगा तेल। आप कोई भी रिफाइंड तेल या फिर वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ये आधा कप दही, ये हल्का सा खट्टा दही है। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी कितना लगा है ये देखिए, ये मैंने 1 कप पानी लिया है। धीरे धीरे इस 1 कप पानी की हेल्प से मैं इस आटे को लगाऊंगी, और एकदम हमें सॉफ्ट डो लगाना है इसका। तो इसमें पानी पूरा लगभग 1 कप लग गया है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप पानी लग गया है और डो एकदम सॉफ्ट और लचीला है। उसके बाद इसे हम थोड़ा लोच लगा देंगे, जिसको मुट्ठी मारना या लोच लगाना कहते हैं, जिससे इसमें एयर फिल हो जाए। इस तरह से इसको हम बार बार राउंड कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से राउंड कर रहे हैं। अब इसको ढककर रख दें, अच्छे से कवर कर लें इसको गीले कपड़े से, और आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं इसको। 1.5 घंटे के बाद ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इसमें प्रॉपर खमीर आ गया है। अब इसको हम इस तरह से गोल कर रहे हैं इस आटे को, और ये इतना सॉफ्ट है कि मैंने आप जब फिंगर लगाई तो वो फिंगर इजीली इसमें पूरी जा रही थी। जब आप भटूरे की लोई तोड़ें तो उसको वो कभी भी बहुत छोटा ना तोड़ें, और इस तरह से थोड़ा सा इसमें एयर को गोल फिल कर लें। ये देखिए इस तरह से लोई बनती है भटूरे की। आप देखेंगे कि इस तरह से लोई बनाने से इसका खमीर बहुत अच्छा आता है। और ये वाले जो भटूरे की मैदा है, ये ऐसा भी नहीं है कि आपको बेलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, कितनी इजीली बेल रही है आप देख सकते हैं। और खूब बड़ा सा पतला भटूरा बेलें, क्योंकि ये खमीर वाला भटूरा है तो ये अपने आप ही थोड़ा मोटा हो जाता है। तो काफ़ी पतला भटूरा बेल लें। ऑयल गरम है, आप यदि इसमें गोली डालेंगे तो गोली इमीडिएटली ऊपर आ जाएगी, इतना गर्म ऑयल चाहिए हमें। और भटूरे को फूलने के लिए ऑयल गर्म होना चाहिए, यानी जब आप भटूरे को डालें तो गर्म तेल में डालें। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने पलट दिया है, तो अब मैंने फ्लेम स्लो कर दी है। अब बस हल्का सा प्रेस करूँगी मैं भटूरा, और ये देखिए एकदम गोलम गोल भटूरा हमारा फूल चुका है। इसी तरह से मैं आपको 3-4 भटूरे और अभी फुलाकर दिखा देती हूँ कि एक भी भटूरा पिचकेगा नहीं। तो चलिए डालते हैं दूसरा भटूरा, और इसका सेकने का आप तरीका भी देख लीजिए। इस तरह से हल्का सा आपको प्रेस करना है पहले, और यदि आपको लग रहा है कि एक ही बार में नहीं भी फूला तो आप इसको पीछे से जो फूला हुआ पार्ट है बस उस पर आप हल्का सा प्रेस कर देंगे ना, तो जो एयर है उसकी वजह से ये अपने आप ही पूरा फूल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया। और इसमें जो ये बबल्स आए हैं इससे आपको पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा अच्छा खमीर आएगा इसमें। एक और भटूरा डाला है मैंने,
और ये देखिए, चाहे आपका भटूरा बिलने में थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी हो जाए, फिर भी इसके सारे के सारे भटूरे बिलेंगे। एंड एक और टिप, यदि आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप एक पूरा इनो का पाउच इसमें ऐड कर दीजिए, लेकिन आप इसमें खाना सोडा बिल्कुल भी मत डालिए। तो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करें।